हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो इस लेक्चर में हम डिटेल पढ़ेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में, कौन कौन सी स्कीम्स हैं और कितनी स्कीम्स हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है इन स्कीम्स का, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गाइस, आपको बता दूँ, अगर इस लेक्चर का आपको PDF, ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में कुछ हैंड रिटन नोट्स जो बनाए हैं उनकी PDFs आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कितनी हैं। तो 28 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। और कौन कौन सी स्कीम्स हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा, इसको डिलीट कर देते हैं, सबसे पहले आ जाती हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स कितनी हैं? 6। तो 6 आ गई हमारी कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। देन आती हैं हमारी कोर स्कीम्स, ये है 20। और उसके बाद है ऑप्शनल स्कीम्स। तो ऑप्शनल स्कीम्स कितनी हैं? 2। तो 28 हमारी टोटल स्कीम्स हैं। देन आ जाती हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स एंड ऑप्शनल स्कीम्स। तो नेक्स्ट देखते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो क्या होती हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स देख लेते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट ये है कि फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको फुली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। दे आर फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन। तो सोशल प्रोटेक्शन के लिए इन स्कीम्स को लागू किया जाता है। तो कौन कौन सी हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स देख लेते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। हमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम्स याद रखना कौन कौन सी स्कीम्स हैं। आपको एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ द कोर स्कीम, तो हमें नेम मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है कि आप डेट्स, कितनी स्कीम्स की आप डेट्स याद रखोगे, बट मेनली आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीम है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम MGNREGA, देन अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंशली एबल्ड एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। तो ये आ गई हमारी कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो कितनी हैं? 6 हमारी हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी कौन सी स्कीम है। नेक्स्ट आ गई हमारी कोर स्कीम्स। तो कोर स्कीम्स कौन सी हैं और इनमें इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है कोर स्कीम्स का। तो सबसे पहले जो हमारी कोर ऑफ द कोर स्कीम्स थी वो फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और ये हैं फंडेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनको दोनों फंड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको फंड करती है। तो रेशियो देख लो, आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि रेशियो क्या है इनकी। तो सेंट्रल और स्टेट का रेशियो क्या है, 60-40। तो 60% सेंट्रल फंड करेगा और 40% आ गया हमारा स्टेट फंड करेगा। जो वाली स्टेट है वो 40% फंड करेगी और सेंटर 60%। इसके बाद जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और 3 हिमालयन स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में क्या रेशियो है, 90-10। तो 90 करेगा सेंट्रल फंड और 10 करेगा स्टेट फंड, 10% स्टेट करेगा फंड और 90% सेंट्रल। कौन सी है? फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड 3 हिमालयन स्टेट्स। नेक्स्ट आता है यूटी आ जाता है, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। यहाँ लेजिस्लेचर नहीं है, वहाँ सेंटर 100% फंड करेगा। और यूटी विद लेजिस्लेचर, जिस यूटी में लेजिस्लेचर है वहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्टिंग फंडिंग पैटर्न वुड बी कंटिन्यू। तो जो एग्जिस्टिंग फंडिंग पैटर्न है वो कंटिन्यू होगा। तो ये था कोर स्कीम्स का क्राइटेरिया, ये आपको याद होना चाहिए रेशियो इनकी क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं कौन कौन सी हमारी कोर स्कीम्स। तो देख लेते हैं फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, तो ये सब आपको पता है, हम हल्का हल्का इसका सिर्फ नेम पढ़ लेते हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इनके नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि स्कीम किसके रिलेटेड है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, आप नेम से ही इसको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, देन आ जाता है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील एंड स्कूल्स, अम्ब्रेला ICDS, मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका, जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, अर्बन रिजुविनेशन मिशन, अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन,
मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो ये 20 स्कीम्स आ जाती हैं कोर स्कीम्स। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए और रेशियो क्या है सेंट्रल और स्टेट की। नेक्स्ट कहा जाती है हमारी ऑप्शनल स्कीम्स। तो ऑप्शनल स्कीम्स में क्या है, फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 3 हिमालयन स्टेट्स। तो इसमें सेंटर और स्टेट का क्या रेशियो आ जाता है, तो 80-20, 80 सेंटर फंड करेगा, 20 स्टेट करेगा, और जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे 50-50, वहाँ पे 50 हाफ फंडिंग सेंटर करेगा और हाफ फंडिंग क्या करेगा, स्टेट करेगा। तो इसके बाद यूनियन टेरिटरीज का देख लेते हैं क्या है। तो यूनियन टेरिटरीज में विदाउट लेजिस्लेचर, जिनका लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ सेंटर 100% फंडिंग करेगा, और जिनका लेजिस्लेचर है वहाँ सेंटर कितना करेगा 80% और यूनियन टेरिटरी कितना करेगी 20, 80 और 20 की रेशियो होगी। यहाँ पे लेजिस्लेचर होगा और यहाँ नहीं होगा वहाँ 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। तो देख लेते हैं गाइस ऑप्शनल स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ये आपको याद होने चाहिए रेशियोज। एग्जाम में ये MCQ आ सकता है कि आपको कोर ऑफ द कोर स्कीम्स का पूछ लें, उसमें सेंट्रल और स्टेट का फंडिंग क्या है। ऑप्शनल स्कीम्स कौन सी हैं हमारी आ जाती हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। तो ये आ गई हमारी कौन सी ऑप्शनल स्कीम्स। तो गाइस यही था आज के लेक्चर में, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। तो आपको रेशियो और स्कीम्स के नाम याद होने चाहिए, यही काफ़ी है। तो आपको पता होना चाहिए कोर ऑफ द कोर कितनी है, कोर स्कीम्स कितनी और ऑप्शनल स्कीम्स कितनी हैं। तो आपको ये PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च कर सकते हैं आप। तो आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको सभी PDFs भी मिल जाएंगी। तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।